हाउ टू कलेक्ट अनलिमिटेड डॉग टैग इन फ्री फायर। तो आप फ्री फायर में ज्यादा से ज्यादा डॉग टैग कैसे कलेक्ट कर सकते हो, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा डॉग टैग कलेक्ट करने की ट्रिक, जिससे आप फ्री फायर में डॉग टैग को 10x फास्टर कलेक्ट कर सकते हो। तो फ्री फायर में हर फ्राइडे को होता है गिल्ड टूर्नामेंट, जिसके लिए हमें डॉग टैग्स कलेक्ट करने होते हैं, जिससे हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, कस्टम रूम भी मिलता है। और ये गिल्ड टूर्नामेंट तभी कम्प्लीट होता है जब आप नंबर ऑफ रिक्वायर्ड के डॉग टैग्स कलेक्ट करते हो। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करेंगे फ्री फायर के डॉग टैग्स के बारे में। हाउ दिस इज द रेक्स एंड वेलकम टू रेक्सोमेनिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू कलेक्ट डॉग टैग इन फ्री फायर। तो फ्री फायर में हम डॉग टैग्स को कलेक्ट करते हैं अपने गिल्ड टूर्नामेंट को कंप्लीट करने के लिए। इस वीडियो में ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप 10x फास्टर यानी कि 10 गुना ज्यादा डॉग टैग जो है कलेक्ट कर सकते हैं अपने गिल्ड के लिए। तो फ्री फायर में गिल्ड टूर्नामेंट कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है, इससे आपको रिवॉर्ड तो मिलेंगे ही, लेकिन जो आपने कलेक्ट किए होंगे डॉग टैग उसको भी आप रिडीम कर सकते हो और रिवॉर्ड यहां से ले सकते हो। तो यहां बहुत से प्लेयर हैं जिनको नहीं पता कि डॉग टैग किस तरह से ज्यादा हम कलेक्ट कर सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं लीडर बोर्ड में बहुत से ऐसे गिल्ड हैं जो यूज करते हैं ट्रिक्स को और अपनी ग्लोरीज को भी बढ़ाते हैं और डॉग टैग को भी ज्यादा से ज्यादा ले जाते हैं। अब आपको भी ज्यादा से ज्यादा डॉग टैग कलेक्ट करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना और जो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा वो आपने करना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा डॉग टैग जो है कलेक्ट कर सकते हैं अपने गिल्ड के लिए। तो यहाँ आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा डॉग टैग कलेक्ट कर पाए या ज्यादा से ज्यादा आपका गिल्ड टूर्नामेंट का स्कोर हो, तो यहाँ आपको सिंपली क्लैश स्क्वाड मोड को ऑन कर लेना है। अब आप बोल रहे हो क्लैश स्क्वाड ही क्यों, क्योंकि ये पार्ट है, हिस्सा है इस ट्रिक का। तो क्लैश स्क्वाड में हम जैसे स्टार्ट करते हैं सिंगल, मैं अभी खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बुया लेके आता हूँ तो मुझे यहाँ पे 10 डॉग टैग मिल जाते हैं, यानी कि 10 डॉग टैग यहाँ पे मेरे कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये अकेले मेरे बुया करने से यहाँ पे 10 डॉग टैग कलेक्ट हो जाते हैं। अब मैं यहाँ अपनी गिल्ड के 4 मेंबर्स को लेके नया मैच खेलने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ पे खेलने जाते हैं और इस मैच में भी हमारी बुया हो जाती है। तो यहाँ फिर से मैंने 10 डॉग टैग जो है वो कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे 40 डॉग टैग कलेक्ट हुए हैं, 40 डॉग टैग कलेक्ट हुए हैं। अब आप सोचोगे ये सब कैसे। तो हाँ, आप भी जो है 10x फास्टर यहाँ पे अपने डॉग टैग्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो गिल्ड टूर्नामेंट को कंप्लीट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा डॉग टैग लेने के लिए आपको सिंपली अपने गिल्ड मेट के साथ गेम्स खेलनी है और बुया करनी है। जी हाँ, अगर आप बुया करते हो, आपके अच्छे खासे किल्स आते हैं, अच्छा मैच होता है, तो आपको डॉग टैग जो है वो अच्छे खासे मिलते हैं, 10 डॉग टैग्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 4 मेंबर्स की अगर बुया होती है तो 40 डॉग टैग आप एक मैच में कलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह अगर आप खेलते हो तो आपका गिल्ड टूर्नामेंट जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आपके डॉग टैग जो है वो जल्दी जल्दी कलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ट्रिक खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे बात आती है डॉग टैग्स को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने की। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो क्लैश स्क्वाड मैच को लगाते हैं और उसके बाद इलेमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब करने से क्या हमारे डॉग टैग जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे? आप सोचते हैं क्लैश स्क्वाड में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं वो जाते हैं और सीधा इलेमिनेट हो जाते हैं, जैसा आप अभी स्क्रीन के सामने देख रहे हो। तो ऐसे इलेमिनेट होने से आपके डॉग टैग तो कंप्लीट होते हैं, लेकिन आपको बहुत ही कम डॉग टैग यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इलेमिनेट का एक मैच खेला है, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमें कितने डॉग टैग्स मिले हैं। तो इस मैच में मुझे 5 डॉग टैग्स मिले हैं, 5 डॉग टैग मिले हैं और पूरी टीम को मिला के 20 यानी कि 20 डॉग टैग हैं। अब हम यहाँ पे खेलते और बुया करते तो हमें यहाँ पे 20 की जगह 40 डॉग टैग मिलते, यानी कि 10 डॉग टैग्स पर प्लेयर मिलते। तो यहाँ पे बात आती है कि आपको डॉग टैग जो है 10x फास्टर कैसे करने हैं, आपको कौन सा मोड खेलना है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा डॉग टैग्स कलेक्ट कर सकते हो, कौन सा ऐसा वे है, कौन सा ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल सही है जिससे आप अच्छे से अच्छे ज्यादा से ज्यादा डॉग टैग जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बात की जाए क्लासिक की, अगर आप क्लासिक मोड लगा के सोलो में जाते हो तब भी आपको उतने ही डॉग टैग मिलते हैं जितने आपको बुया या ना बुया करने पे 5 या 10 मिलते हैं। लेकिन बहुत से ऐसा होता है कि आपका क्लासिक खेलने से स्कोर अच्छा नहीं होता तो आपको डॉग टैग जो है वो कम मिलते हैं। तो आपको जब भी डॉग टैग कलेक्ट करने के लिए मैच स्टार्ट करना है, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे वो क्लैश स्क्वाड हो या कोई अदर मोड हो, तो आपको बैटल अच्छी करनी है, बैटल स्कोर अच्छा करना है और डॉग टैग जो है यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आपको सोलो में मैच स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्क्वाड में खेलना है और स्क्वाड में जब भी मैच खेलना है तो अपने गिल्ड मेट के साथ खेलना है। तो अगर आप गिल्ड मेट के साथ खेलते हो तो आपके 4x फास्टर यानी 4 गुना ज्यादा यहाँ पे आपको डॉग टैग मिलते हैं।
तो इस बात को भी आपने बिल्कुल पल्ले बांध लेना है कि आपको गिल्ड टूर्नामेंट को कंप्लीट करना है, तो आपको स्क्वाड मैच खेलने हैं अपने गिल्ड मेट्स के साथ। और तीसरी बात ये भी पल्ले बांध लेनी है कि आपको कोई भी मैच में जाके किसी ड्रम के पास फूटने की जरूरत नहीं है। इससे होगा क्या, आपको सिर्फ ओनली 2 डॉग टैग मिलेंगे और आपकी गिल्ड के 8 डॉग टैग होंगे। बहुत ही कम डॉग टैग देखने को मिलते हैं। अगर आप बैटल को एंजॉय करते हो, यहाँ पे आपकी बुइया हो जाती है, तो आपके 10 डॉग टैग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी बुइया ना हुई, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस भी आया, तब भी आप 7 या 8 डॉग टैग यहाँ से लेके जाओगे। और वो सिंगल डॉग टैग आपके नहीं होंगे, आपके साथ जो आपके गिल्ड मेट खेल रहे हैं उनके भी उतने ही डॉग टैग होंगे। तो अब आप खुद ही सोचो, अगर आप किसी मैच को स्टार्ट करते हो, वहाँ पे लेमिनेट हो जाते हो और आपके 4 मिनट वहाँ पे लग जाते हैं और आप 8-10 डॉग टैग लेके आ जाते हो, तो उसमें क्या फायदा है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है, अगर आप किसी मैच को फुल एंजॉय करते हो, फुली खेलते हो, 10 मिनट की बैटल होती है, 12 मिनट की बैटल होती है और आपके 40 डॉग टैग आते हैं, अगर आप दूसरे नंबर पे भी आते हो तब भी आपको जो है 8 डॉग टैग मिलते हैं, तो ये सही रहेगा या फुल मैच को एंजॉय करके बुइया करके 40 डॉग टैग ले जाना आपके लिए सही रहेगा। तो इस बात का प्रूफ आप बिल्कुल लीडर बोर्ड पे देख सकते हो, यहाँ पे कितने डॉग टैग कलेक्ट किए हैं। तो इस बात को बताता है आपका लीडर बोर्ड। ये वही गिल्ड हैं जो अपने गिल्ड मेट के साथ खेलते हैं और बुइया करते हैं, अच्छी गेम को एंजॉय करते हैं और अच्छे खासे डॉग टैग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। तो अब आपको सोचना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डॉग टैग कहाँ से मिल रहे हैं, वो भी आपको पता है। आपको बैटल को एंजॉय करना है, बुइया करनी है, अपनी गिल्ड मेट के साथ खेलना है, तो ये सब अगर आप करते हो तो आपका गिल्ड टूर्नामेंट इतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, वो सुबह सुबह ही आप कंप्लीट करके बैठ जाओगे। उसके बाद आपका मन है कि आपको डॉग टैग कलेक्ट करने हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे क्लैश स्क्वाड में आपने प्लेयर देखे हैं, वो आते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं, तो इससे अच्छे खासे डॉग टैग हमें नहीं मिलते। वो आप चाहते हैं कि आपका गिल्ड टूर्नामेंट जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, आपके डॉग टैग ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो जाए, तो आपको इन्हीं सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको सोलो नहीं खेलना है, आपको गिल्ड मेट के साथ स्क्वाड खेलना है और जितना संभव हो सके आपको कोशिश करनी है कि आप बुइया लेके आ जाओ। चाहे आप रैंक खेलो, क्लासिक खेलो, क्लैश स्क्वाड खेलो, वो आपकी मर्जी है, आपकी टाइमिंग के अनुसार है, आपको जो भी मोड पसंद है। तो यही है फ्री फायर में डॉग टैग्स को कलेक्ट करने की सबसे फास्ट ट्रिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाना और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ में बेल नोटिफिकेशन टैप करके ऑल कर लेना, इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। मैं लाता रहता हूँ फ्री फायर के लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, इवेंट्स के बारे में जानकारी और बहुत एक्साइटिंग वीडियो। अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है फ्री फायर के डॉग टैग अकाउंट को लेकर, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, जिसका जवाब मैं आपको रिप्लाई में दे दूंगा। और अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मुझे सोशल मीडिया में फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई टिप है, हाउ कैन आई इम्प्रूव माय कंटेंट, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और साथ में मुझे ये भी बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन करना ना भूलना। तो यही थी फ्री फायर में फास्ट डॉग टैग कलेक्ट करने की ट्रिक। अब आपके मन में है कि आपको इलेमिनेट होके 2-4 डॉग टैग लेके आना है या फिर अच्छी खासी गेम को एंजॉय करके बुइया करके अच्छे खासे डॉग टैग लेके आने हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी हंटिंग।